इस अवतारों का ज्ञान करवाया। आगे सौनक ऋषियों ने चार प्रकार के प्रश्न भागवत संबंधी पूछे, उसके उत्तर में सूत जी ने व्यास जी के प्रागट्य की कथा सुनाई। सूत जी ने कहा कि जब युग परिवर्तन एवं तीसरा द्वापर युग जब आया, तब पराशर ऋषि और सत्यवती से भगवान के अंश रूप ज्ञान अवतार श्री व्यास जी का जन्म हुआ। बोलिए श्री व्यास जी भगवान की जय। ये भगवान के ज्ञान अवतार 17 पुराणों की रचना करी, वेदों के विभाग किए, महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना की। इतना सब किया फिर भी मन में शांति नहीं, अशांति। बैठे बैठे सोचने लगे, अरे इतना सब मैंने किया, वेदों के विभाग किए, पुराणों की रचना की, फिर भी शांति क्यों नहीं है। सोचे मैंने कुछ पाप तो नहीं किया, कि पाप किया होता है तो शांति नहीं मिलती। साधारण मनुष्य अपने पुण्य को याद करता है, व्यास जी जैसे संत अपने पाप को याद कर रहे हैं, कहीं कुछ गलती पाप तो नहीं हुआ। चिंता में बैठे हुए वहीं पे नारद जी पधारे, चिंता का कारण पूछा कि आप चिंता में क्यों हैं? जब जब जीव के अंदर अलौकिक चिंताएं होती हैं तो संत सामने से पधारते हैं। अलौकिक मनोरथ जब जीव के अंदर हो तो अच्छे भगवती अच्छे गुरु उसको सामने से मिलते हैं। नारद जी सामने चल के पधारे कि इतना सब रचना करी फिर भी मन शांत नहीं है। नारद जी कहते हैं, एक बात कहूं व्यास जी, आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष का, वह धर्म चारों धर्मों का विस्तार कर सके ऐसे ग्रंथों की तो रचना करी, पर पांचवा परम तत्व प्रेम तत्व को जो प्रकट कर दे ऐसा शास्त्र आपने नहीं रचा, ऐसे ग्रंथ की रचना नहीं की। प्रभु के निर्मल गुणगान यशोगान आपने कहीं भी प्रेम से नहीं गाए, और मेरा मानना है कि जब तक जीव प्रभु के गुणगान को नहीं गान करता, उसका स्मरण नहीं करता, जीव को शांति नहीं मिलती। नारद जी ने व्यास जी को भागवत की रचना करें ऐसी प्रेरणा दी। भागवत की प्रेरणा नारद जी ने दी, रामायण की प्रेरणा करने वाले भी नारद जी। नारद जी के साथ सत्संग हुआ, मन प्रसन्न हो गया। जब संत वैष्णव गुरु के दर्शन हो, जो भी मन में अलौकिक जो भी व्यविधान चिंताएं सब दूर हो जाती है। जा दिन संत पाहुने आवत, 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 तीर्थ कोटि स्नान करत फल तीर्थ कोटि। संतों के दर्शन कैसे होते हैं? तीर्थ कोटि स्नान करत फल, तीर्थ कोटि स्नान करत फल, तीर्थ कोटि स्नान करत फल, ऐसो दर्शन पावत, ऐसो दर्शन पावत, जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने आवत। सूरदास जी बड़ा सुंदर, संतों का संग करो, वैष्णव के प्रति आदर भाव रखो,
वैष्णव आवे द्वार पे दीजे चार रतन, आसन जन वाली बदूर यथाशक्ति सो अन्न। हमारे श्री हरिराय महाप्रभु समझाते हैं कि जब संत आए, जब वैष्णव घर में पधारे, वैष्णव आवे द्वार पे दीजे चार रतन, आसन जल वाणी मधुर यथाशक्ति सो अन्न। जल दो आप, आसन दो, तो मधुर वाणी ना हो तो वो कोई मतलब नहीं है। आसन जलवाणी मधुर जादे न संत पाहुने आवत, जादे न संत पाहुने आवत, प्रफुल्लित बदन रहत निषदिन प्रति, 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 चरण कमल चेत लावत, चरण कमल चेत लावत। जब संत के वैष्णव के दर्शन हो, तीरथ कोटि स्नान करत फल, ऐसे दर्शन, और जब उनके साथ सत्संग हो, प्रफुल्लित वदन रहत निषदिन प्रति, ऐसा सत्संग हुआ हो, वह वदन रोम रोम नाचने लग जाए। चार मिले 64 गिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले तो नाचे सात करोड़। चार मिले 64 गिले, संतों के दर्शन चार मिले 64 गिले। जब नैनों का मिलना होता है, संत के दर्शन हुए, वैष्णव के दर्शन, ऐसी प्रसन्नता हुई, हास्य हुआ, 64 खिले, 32 दांत इसके, 32 दांत सामने वाले के। चार मिले 64 किले, 20 रहे कर जोड़, 10 उंगलियां हमारी, 10 सामने वाले की। हरिजन से हरिजन मिले तो नाचे सात करोड़, ऐसा दिव्य सत्संग होता है। कहा जाता है कि अपने शरीर में 3.5 करोड़ रुमांटे होते हैं, वह रोम रोम नाचने लग जाते हैं, नाचे सात करोड़। प्रफुल्लित वदन रहत निषदिन प्रति, प्रफुल्लित वदन रहत निषदिन प्रति, चरण कमल चेत लावत, चरण कमल चेत लावत, मन कर्म वचन और नहीं जाचत, 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 सुमरत और सुमरा और सुमरावत, जादिन संत पाहुने आवत, जादिन संत पाहुने आवत, जादिन संत पाहुने आवत, जादिन संत पाहुने आवत। बड़ा सुंदर राग है हमीर, पाहुने आवत, जादिन संत पाहुने आवत। Thank you.
राधे का नाच रे गिर धर गे मुरलिया मधुबन में राधे का नाच रे जा दिन संत पाहुने आवत जा दिन संत पाहुने आवत मिथ्या वार उपाधि रहित वे मिथ्या वाद उपाधि रहित वे विमल विमल जस गा विमल विमल जस गावत सूरदास प्रीति करतिन सो सूरदास प्रीति करतिन सो सूरदास प्रीति करतिन सो सूरदास प्रीति कर दास प्रीति करती न सो हरि की सूरत करावत हरि की सूरत करावत जादिन संत पाहुने आवत जादिन संत पाहुने आवत जादिन संत पाहुने आवत ने आवत जादिन संत पाहुने आवत तीरथ कोटि स्नान करत फल 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 ऐसो दर्शन पावत ऐसो दर्शन पावत जादिन संत पाहुने आवत जादिन संत पा जादिन संत जादिन संत पाहुने नारद जी कहते हैं व्यास जी भगवत गुणगान सत्संग के द्वारा ही तो आज देखो मैं आपके सामने खड़ा हूं। सत्संग गान प्रभु के गुणगान के द्वारा ही मुझे नारद अवतार मिला। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि पूर्व जन्म में मेघदासी का बेटा था बताया कि मेरी माँ सब जगह काम करती एक समय हमारे गांव में ऋषि पधारे चातुर्मास करने और मेरी माता उस समय उन संतों की सेवा करती उनके कपड़े धोती जूठे बर्तन मांजती मैं भी संतों की सेवा करता चरण सेवा करता और जो थाली में बच जाता उन्होंने संतों ने जो ग्रहण किया वह जूठन में प्रसाद में स्वीकारता संतों की जूठन खाने से मेरे समस्त पाप दूर हो गए संतों के प्रति बड़ी मुझे प्रीति हो गई बचपन से ही। एक समय की बात है जब संत जाने लगे तो नारद जी भी उनके पीछे पीछे जाने लगे संतों ने रोका कि तू माता का एक ही पुत्र है उसको छोड़ के मत जा। संतों की आज्ञा मानकर नारद जी वहीं पे रहे। समय गया रास्ते में से गांव कहीं वन में से खेत में से उनकी माता जा रही थी सर्प के ऊपर पैर आया और सर्प ने उनको डसा उनकी मृत्यु हुई और फिर नारद जी ने घर का सब त्याग करके उत्तर दिशा की ओर निकले कई नदी पर्वतों को पार किया प्रभु का नाम स्मरण करने लगे
और उस समय प्रभु का एक आभास हुआ, एक दर्शन हुआ और उन्हीं ने वरदान दिया जिनके वजह से मुझे नारद अवतार मिला। प्रभु की कृपा से मुझे नारद अवतार, नारद में मैं जन्म हुआ। नारद रूप से देवताओं के द्वारा मुझे वीणा मिली और वह वीणा को मैं बजाते हुए सब लोक में मैं विचरण कर रहा हूं। इसका एकमात्र कारण भगवत कीर्तन। देखिए नारद जी के अंदर चार गुण बताए। पहला उनके अंदर गुण था कि उनके अंदर दैन्य भाव, दीनता थी। दूसरा उनके अंदर गुण था अनुवर्तनता, तत्सुखात्मक भाव। संतों की बड़ी उन्होंने सेवा करी, तत्सुख का विचार किया। ये तत्सुख की जो बात है ना, पुष्टि परंपरा में इसका बड़ा ही महत्व है कि जिनकी तुम सेवा कर रहे हो उनके तत्सुख का विचार करो। और इसीलिए पुष्टि मार्ग अंतर्गत ऋतु ऋतु अनुसार वस्त्र, ऋतु अनुसार श्रृंगार, ऋतु के अनुसार सब सामग्री धराई जाती है कि जिनकी सेवा कर रहे हैं उनको श्रम न पड़े, उनके सुख का विचार करना। जब मानसिंह राजा ब्रज में आए, मथुरा में, मथुरा वासियों को पता चला कि राजा आए हैं और मंदिरों को ऐसी भारी सजावट करी, सभी भगवान जितने भी मंदिर में विराज रहे थे भारे भारे श्रृंगार ठाकुर जी को धराए, भारे भारे वस्त्र धरा दिए कि राजा प्रसन्न हो जाएगा, भारी सजावट सब होने की। और वही मानसिंह जब मथुरा से होकर गिरिराज जी पहुंचे और गिरिराज जी वहां पे गिरिराज जी पर देव दमन श्रीनाथ जी के दर्शन किए। गर्मी का समय है, गुलाब जल अत्तर के जल के फुमारे चल रहे हैं, फूल मंडली में ठाकुर जी विराज रहे हैं, ठाकुर जी के आगे यमुना जल भरा हुआ है, गुलाब जल का छिड़काव हो रहा है, कलियों के श्रृंगार धराए हुए, हल्के कल रंग के वस्त्र। इतना मानसिक को शांति आनंद मिला कि बाकी सब जगह तो प्रदर्शन था, सच ये दर्शन यहां पे हुआ, क्योंकि यहां पे भगवत सुख है। तत्सुखात्मक भाव, जिनकी सेवा करें उनके तत्सुख का विचार। तीसरा गुण उनके अंदर था अल्प भाषणम, कम बोलते थे, वाणी का संयम करते। एक संत ने बड़ी अच्छी बात करी, गमे तेवू ना बोलू, गमे तेवू बोलू, गमे तेवू ना करू, गमे तेवू करू, गमे तेवू ना खाऊ, गमे ते खाऊ, गमे तेवू ना बोलू, गमे ते बोलू, कुछ भी मत बोलो, गमे ते जे प्रभु ने गमे ते बोलो, गमे तेवू ना बोलो। गमे तेवू ना करू, गमे तेवू करू, जो प्रभु को अच्छा लगे ऐसा करो, वाणी का संयम रखो। शुश्रुषा, ये चार गुण के चलते नारद अवतार उनको मिला। नारद जी के साथ बड़ा सुंदर सत्संग व्यास जी का हुआ। नारद जी प्रेरणा देके वहां से पधारे और अब फिर व्यास जी भागवत की रचना करने बैठे। एक आसन पर बैठे, नेत्रों को बंद किया, समाधि में गए और समाधि में भागवत का अनुभव किया। मन शांत हो गया जो अशांत था। पर अब व्यास जी ने सोचा कि ये जो भागवत है, भागवत धर्म का प्रचार होना चाहिए। इसका प्रचार कौन करे, ये तो परम हंसों की संहिता है। सोचा कि ये प्रचार करने वाला तो मेरा पुत्र सुखदेव ही है, लेकिन वो तो उनको छोड़ के चला गया। सोचा वो आएगा। व्यास जी ने क्या किया, जो बहुत ही भाग्यशाली ऐसे उनके निकट के शिष्य थे, भागवत के कुछ श्लोक उन शिष्यों को सिखाया। अब वो शिष्य क्या करते, गुरु जी के बताए हुए जो श्लोक हैं उनका गान करते, गुरु जी की सेवा करते, वन में जाते संहिता लेने, और वन में भी जब जाते लकड़ियां भी लेने, तो उस समय भी जो श्लोक उनने सीखे हैं उनका गान करते।
एक बार की बात है, जिन शिष्यों को वह श्लोक सिखाया था वन में भ्रमण कर रहे थे, और ना जो व्यास जी ने जो श्लोक सिखाए थे उन जोर जोर से उनको आवर्तन कर रहे थे, और उसी वन में सुखदेव जी भी भ्रमण कर रहे थे, क्योंकि सुखदेव जी भी कैसे हैं, परिव्राजक संत हैं, सब जगह भटकने वाले हैं। सुखदेव जी भी वहां से गए और जो शिष्य श्लोक बोले वह सुखदेव जी ने सुना। बरहा पीडम नटवर वपहु कर्णयो कर्णिकारम विब्रदवासह कनक कपिशम वेजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये श्लोक सुखदेव ने सुना और सुनते ही बड़ा आकर्षण हुआ कि बरहा पीडम नटवर वपहु, अरे बड़ा सुंदर बालक है, वेजंती माला धारण की है, सांवला सलोना है, मोर पंख धारण किया हुआ, कर्णिकार के फूल धारण किए हैं, कर्ण फूल धारण किए, गैयाओं को चराते हुए बड़े सुंदर ठाकुर जी की लीला का वर्णन किया। ऐसा आसक्ति हुई, देखिए पहले सुखदेव जी निराकार को मानते थे, साकार में उनकी आस्था नहीं थी, लेकिन जहां ये श्लोक सुना वो बालक में आसक्ति हो गई, अरे ये बालक तो बड़ा सुंदर है। फिर मन में संकोच हुआ, अरे ये आसक्ति ही खराब है, आसक्ति बड़े बड़े बुरे काम भी करवाती है, और आसक्ति ही बंधन का कारण है। जो आसक्ति हो गई तो फिर ये बंधन हो जाएगा, तो फिर मैं मुक्त कैसे होऊंगा। इतने में ही वह शशि कुमारों ने दूसरा श्लोक सुनाया, अहो बकियम स्तनकाल कूटम जिंघा से पाय यदप्य साध्वी लभे गतिम ध्यातु चिताम ततोन्यम कम्वा दयालु शरणम ब्रजे मे। बकासुर की बहन जब पूतना द्वेष भाव रखकर जब ब्रज में आई, तो जो कृष्ण के प्रति द्वेष भाव रखकर भी आई थी, वह कृष्ण ने उसको भी माता की जैसी गति दे दी। ऐसे दयालु हैं, कम्वा दयालु शरणम प्रपन्ना, जो उनकी शरण में आ जाए तो द्वेष भाव से भी आया तो उसको भी माता की गति दे दी। हे से दयालु प्रभु, सोचा कि ये श्लोक कहां से सीखे, ऋषि कुमारों के पास आए, अरे ये श्लोक तुमने कहां से सीखे हैं, आज तक मैंने ये श्लोक नहीं सुने, हमें तो हमारे गुरुजी ने सिखाया, कि तुम्हें और कुछ आते हैं इसके श्लोक याद हैं और कि नहीं। सुखदेव जी को मन में हुआ कि ये दो श्लोक में इतना आनंद आ रहा है, तो पूरा ये जो शास्त्र पढ़ने में आए तो कितना आनंद आएगा, क्योंकि सब तो हम नहीं जानते, आपको व्यास जी के पास से मिलेंगे। और अब ये सुखदेव जी ये व्यास जी के ये भागवत के श्लोकों को जानने के लिए, भागवत सीखने के लिए सुखदेव जी व्यास जी के पास आए, जो उनको छोड़ के चले गए थे उनके सामने देखा भी नहीं, लेकिन भागवत के ये श्लोकों के प्रभाव से व्यास जी के पास आए। सुखदेव जी पहुंचे व्यास जी के पास, व्यास जी बड़े आनंद में आए सुखदेव जी को देखकर। सुखदेव जी विनती करते हैं, पिताजी मुझे पूरा वह भागवत सिखाइए, पूरा भागवत जानना। व्यास जी जानते थे कि ये सुखदेव जी के द्वारा ही यही उत्तम वक्ता हैं और यही उसका उत्तम प्रकार से इसका प्रचार कर सकते हैं। और फिर वह व्यास जी ने जो भागवत का अनुभव समाधि में किया, वह पूरी भागवत सुखदेव जी को सिखाई, और पूरी भागवत सीख के जान के ऐसा नशा उनको भागवत का चढ़ा, सोचा कि अब कोई उत्तम अधिकारी हो उसको ये मैं सुनाऊं। और वहीं गंगा जी के तट पे जो परीक्षित बैठे हुए बाट देख रहे हैं, सब कुछ छोड़कर जब आ गए हैं, सुखदेव जी पधारे गंगा जी के तट पे, और जो पिता से जो भागवत सुनी थी वह सब भागवत कथा परीक्षित को सुना दी। उसी समय सूत जी ने भी ये कथा सुनी, और वही सूत जी सौनक ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं। इस प्रकार से ये भागवत ये भूमंडल में आया, सुखदेव जी द्वारा इसका प्रचार हुआ। आपड़े आवे छे ने ओलो गुजराती मां आंबो, कई बार हिंदी प्रदेशों में कथाएं होती है तो आंबा गावानो समय नहीं मळतो, एम देख कोने संभळावी, हवे अहीं मोको मळ्यो छे।
आम्बो अखंड भुवन मारी उतरी यो आम्बो अखंड भुवन आ भुवन माए आम्बो आ आम्बो अखंड भुवन मातुतर्यो आम्बो अखंड भुवन मातुतर्यो ब्रज भूमि मा वनो वास सखिरे आम्बो रूपियो ब्रज ब्रज भूमि मा आम्बा नो वास बड़ा सुंदर है ये सखिरे आम्बो रूपियो वसुदेव ते बीज वा सुदेव ते बीज वावियो वो देव की जी क्षेत्र प्रकाश सखिरे आम्बो रूपियो सब गाइए देव की जी क्षेत्र प्रकाश देवकी जी क्षेत्र छे बीज रोपा वाड़ा कौन तो के वसुदेव आंबे यशोदा जी ये जलसी जी या आंबे यशोदा जी ये जलसी यशोदा जी आंबा ने सींचो सखी रे आंबो ब्रह्मा जी ये चार पत लख्या ब्रह्मा